हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। मैं काफ़ी दिनों से इनकंसिस्टेंट था अपने वीडियोस के साथ, बट मैं अभी ट्राई करूँगा कि एकदम वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड करने के लिए। बट इतना कॉलेज का प्रेशर ये सब होने की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, बट मैं अभी ट्राई करूँगा। और जितने भी लोग ट्यूटोरियल वीडियोज़ मांग रहे थे वो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था इसीलिए, क्योंकि मेरा जो जिम है, ये जिम है मेरा, ये बहुत ही छोटा है, बट संडेज़ को क्लोज रहता है। तो संडेज़, आज संडे है, तो आज मैंने आके वीडियो शूट कर रहा हूँ इधर अपने भैया के साथ। इसीलिए मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ नहीं डाल सकता। मैं ट्राई करूँगा जिस दिन भी, हर संडे वीडियोज़ मैक्स टू मैक्स शूट करने के लिए। बट मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि आप क्यों वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे, तो मैं वो वीडियोज़ आज से मैंने सोचा कि अभी जाके मैं रिकॉर्ड करूँगा, सब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैप्स, जो ट्रैप्स मसल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है पार्थिव और बिना कोई देरी के लेट्स बिगिन। जब हम लोग बात करते हैं ट्रैप्स मसल की, ये मसल बहुत ही सब लोगों को ये मसल चाहिए, क्योंकि जब भी आप एक शर्ट पहनते हो, कोई भी चीज़ पहनते हो, ये मसल आपको एक अलग मैनली लुक देती है, जिससे कि आपका जो ड्रेस है, आपका जो शर्ट है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। बाइसेप ट्राइसेप ये सब ज़रूरी है, बट ट्रैप्स, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये कैसे दिख रहा है, बट मैं इसको अगर ऐसे करूँ तो। मैं करीब 2 महीने से अपने ट्रैप के रूटीन में ट्रैप्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया हूँ, और मैंने काफ़ी सारे नए एक्सरसाइजेस परफॉर्म किए, और मैंने कुछ नए ट्रिक्स यूज़ किए जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे अपने ट्रैप्स में काफ़ी ज़्यादा सही डेवलपमेंट मिला। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मतलब गलती से निकल गया। जो भी हो, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको साइंस नहीं एक्सप्लेन करूँगा। जो भी मैंने किया वही मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा। बिना कोई देरी के चलते हैं अपने पहले एक्सरसाइज में। अगर बात करते हैं ट्रैप्स मेरे रूटीन की, मेरा रूटीन कुछ ऐसा है, मैं मंडेज़ को हिट करता हूँ चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडेज़ को बैक बाइसेप, वेडनेसडे को लेग्स एंड काव्स, और फिर थर्सडे को शोल्डर्स, और मेरे जो डेल्ट्स, मतलब ये ट्रैप्स और डेल्ट्स, मैं इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और फिर मैं फ्राइडे को करता हूँ चेस्ट ट्राइसेप, फिर सैटरडे को लेग्स एंड बाइसेप। उस दिन हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बैक भी कर लेता हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि मुझ में एनर्जी कितनी बची है। जो मेरा ट्रैप्स का रूटीन है, उसमें मैंने क्या किया, मैं अपने शोल्डर्स को हिट करने से पहले मैं अपने ट्रैप्स को हिट करता हूँ पहले। मैं पहले क्या करता था, डंबल रेजेस, डंबल प्रेसेस, मतलब अपने डेल्ट्स को हिट करता था। मैं डेल्ट्स को हिट करना बंद कर दिया पहले। मैंने करीब 2 महीने से क्या कर रहा हूँ, मैं आके ही अपने ट्रैप्स को हिट कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मुझ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रह रही है जितना कि मुझे डेल्ट्स हिट करने के बाद रहती, और मैं ट्रैप्स के करीब 3-4 एक्सरसाइजेस लगा रहा हूँ हर एक वर्कआउट, हर एक शोल्डर वर्कआउट के दिन मैं ट्रैप्स के 3-4 एक्सरसाइजेस लगा रहा हूँ, उनमें भी ड्रॉप सेट, सुपर सेट ऐड करके। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब आते हैं अपने सबसे पहले एक्सरसाइज पे। जो मैं आते ही जिम में अपने ट्रैप्स वार्म अप करता हूँ, जो शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट, ये सब वार्म अप करने के बाद जो सबसे पहले एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है क्लीन। आर्नल्ड ने कहा होगा फोकस ऑन द बेसिक मूवमेंट। ये बात का मुझे, मतलब सेंटेंस का वैल्यू मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी बात सुनी। वो एक्सरसाइज है क्लीन, मतलब आपको जर्क नहीं करना है इसमें, आपको जर्क मूवमेंट नहीं इंक्लूड करना है। आप लोगों को बार ऊपर नहीं लेके जाना है, इट्स सिंपली आपको क्लीन करना है फिर नीचे ले जाना है, क्लीन करना है नीचे ले जाना है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज कुछ ऐसे होगा। ये करीब 15 किलोज के प्लेट है। इतना मैं क्लीन कर लेता हूँ, बट अभी वीडियो के लिए ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन होगा। आप लोगों को अपने शोल्डर वाइड, मतलब बार को थोड़ा सा वाइड पकड़ना है, फिर आप लोगों को नीचे जाना है, एंड देन ये, और जब आप ऊपर आ जाओगे उसके बाद आपको बार को ऐसे छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाना है, ये एक रेपिटेशन, 2 रेपिटेशन, फिर ऐसे करके 3। फिर ऐसे ऐसे आपको ये क्लीन परफॉर्म करना है। जर्क जो होता है वो ऐसे होता है, क्लीन, दिस इज क्लीन एंड दिस इज जर्क। ये जो आप ऊपर जा रहे हैं ये जर्क है। मैं क्लीन ही करता था, बट क्लीन एंड जर्क में अभी कुछ दिन पहले से कर रहा हूं, शोल्डर्स वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले लास्ट एक्सरसाइज में इसे इंक्लूड कर रहा हूं, एंड देन फिर मैं क्लीन करने के बाद जर्क कर रहा हूँ। ये ऊपर मैं फ़ैन में लग गया। बेसिकली मैं इतना लंबा हूँ कि मुझे पीछे आना पड़ता है जिधर फ़ैन नहीं है। फ़ैन में नहीं आने के बाद उधर मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। ये मैं फ़ैन को छू सकता हूँ ऐसे करके, मैं इतना लंबा हूँ। अभी
ये मेरा पहला एक्सरसाइज है, इसको आते ही परफॉर्म करता हूँ मैं। इसके करीब मैं 3-4 सेट लगाऊंगा। स्टार्टिंग सेट वार्म अप रहता है, सेकेंड थर्ड इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे, एंड देन फिर जो लास्ट सेट रहता है वो डिपेंड करता है कि मेरा मतलब कितना मन कर रहा है। सो उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें थोड़ा कम वेट लगा के करीब 25-30 रेपिटेशंस लगाता हूँ। सो ये होता है मेरा पहला एक्सरसाइज। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है, जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है अपराइट रोज। सो अपराइट रोज जो है वो आपको नॉर्मल नहीं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करना है। वो ये है कि आप लोगों को जैसे अपराइट रोज आप लोग करते हो वैसे ही आप बार को पकड़ना है, देन आपको बार को लिफ्ट करना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपका जो चेस्ट अप होगा, जो नॉर्मल पोजीशन है, आप बार को ट्रैप्स को इंक्लूड करना है। ट्रैप्स ऐसे नॉर्मल है मेरे, ट्रैप्स इनको इंक्लूड करना है ऐसे, देखिए ट्रैप्स उठ जाए। उसके बाद ट्रैप्स उठने के बाद फिर ये 1 ट्रैप्स इंक्लूडेड, 2, 3, 4 ये ऐसे आपके ट्रैप्स इंक्लूड होंगे। और जो है नीचे आपको बार पूरा नीचे नहीं छोड़ देना है, आपको बस यहाँ पे लाना है एंड देन यहाँ पे आपको बार को ये पकड़ना है, फिर ऊपर लाना है, फिर बार को पकड़ना है। सो ऐसे करके आपके ट्रैप्स को काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा ये, एंड देन आपके ट्रैप्स को काफ़ी मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव आपके ट्रैप्स के लिए। सो ये एक्सरसाइज में इसके सेकंड में रहता है मेरा, इसके भी मैं 3-4 सेट लगाता हूँ। सो अभी मैं डिपेंड करता है, जिस दिन हैवी जाने का मन किया उस दिन हैवी जाता हूँ, जिस दिन हैवी जाने का मन नहीं कर रहा है मन नहीं करता हूँ। सो अब चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पे। सो अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है श्रग्स, जो ऑफिशियल एक्सरसाइज हम लोग के शोल्डर्स के लिए, ट्रैप्स के लिए, जो ऑफिशियल मतलब हर कोई परफॉर्म करता है ये एक्सरसाइज को, वो है श्रग्स। अब श्रग्स में मैं 2 टाइप के वेरिएशंस परफॉर्म करता हूँ। पहला है जो ये श्रग होता है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले आप लोगों को रॉड पुटन करना है, मैं अपने ग्रिप थोड़ा वाइड ही लेता हूँ, देन आपको यहाँ से बार उठाना है ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं। और इसमें आपको थोड़ा हेवी जाने का ट्राई करना है, क्योंकि श्रग से इसमें हर कोई हेवी जाता है, इसमें लाइट कोई परफॉर्म नहीं करते हैं, बट मतलब मैं इसमें हेवी जाता हूँ, बहुत हेवी जाता हूँ। इसमें मैंने हाईएस्ट आज तक किया है 220 किलोज़। सो 220 किलोज़ का मैंने जब श्रग किया उससे, उसमें मुझे मतलब श्रग से ही लगता है कि श्रग से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। एंड जो सेकेंड टाइप का वेरिएशन है उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसमें जो है ये बार जो है इसको आपको नीचे रखना है। इसमें वेट नहीं है अभी, मैं जब वेट लगाऊंगा तब समझ में आएगा आप लोगों को। मैं वेट अभी नहीं लगा रहा हूँ, खाली रॉड से दिखा रहा हूँ। ये पोजीशन पे आना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ये वो एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है आप लोगों को, ये इसको मैं स्टार्टिंग करता हूँ फ्रंट श्रग से। जो मेरा सामने वाला श्रग है उसको मैं फ्रंट श्रग बोलता हूँ, उसका नाम नहीं पता मुझे एक्चुअली क्या बोला जाता है। सो फ्रंट श्रग से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके मैं 3 सेट लगाता हूँ, हैवी जाता हूँ काफ़ी। उसके बाद मन किया तो, अगर जिस दिन मन किया तो मैं उस दिन डम्बल लूँगा, डम्बल से मैं थोड़े बहुत रेपिटेशन लगाऊंगा। मेरे जिम में डम्बल ज़्यादा हैवी नहीं है, 20 किलोज़ इज द मैक्स डम्बल यू हैव गॉट हियर। सो मैक्स डम्बल 20 किलोज़ है, तो 20 किलो से श्रग्स में वो रेपिटेशन वर्क ही होगा, हैवी वर्क तो नहीं होता डम्बल से। एंड देन ये मानने के बाद आप लोग, मैंने जो बैक श्रग दिखाया उसमें मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता हूँ, उसमें मैं थोड़ा ही हैवी जाता हूँ, 120 किलोज में हाइस्ट गया उस पर। उसमें आपको करना है, उसमें भी 3 सेट 10-12 रेपिटेशन। और हाँ, जो मैं लास्ट में रेपिटेशन वर्क करता हूँ ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, मतलब इसके 3 सेट उसके 3 सेट, उसके बाद जो मतलब रेपिटेशन वर्क होगा ये नॉर्मल रेपिटेशन, इसमें मैं थोड़ा होल्ड कर करके एकदम मसल को फील कर करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। सो ये सब एक्सरसाइज हो जाने के बाद अब आते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर। सो अब आते हैं 4th एक्सरसाइज पे, मतलब यही लास्ट एक्सरसाइज होगा, और इसके बाद मैं श्रग्स में मतलब शोल्डर्स ट्रैप्स ख़त्म हो जाता है, ट्रैप्स का यही लास्ट एक्सरसाइज है। सो ये जो होता है इसको मतलब जो फ्रंट रेजेस होता है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करना है। आपको इसमें प्लेट्स लेना है, कोई भी प्लेट, ये 15 किलो का प्लेट है, एंड देन यू हैव टू गो ये ऐसे ऐसे आप, ठीक है, उसके बाद ऐसे ऊपर जाना है, ऊपर होल्ड नहीं करना बट नीचे आके थोड़ा सा होल्ड करना है, यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, यहाँ से सपोर्ट नहीं लेना है, आपको ऊपर जाना है इधर,
फिर ये इधर ट्रैप्स से रोकना आपको, आपको ट्रैप्स इंक्लूड करने पड़ेंगे लाइक ये दिस मूवमेंट, लाइक देखिएगा आपको ट्रैप्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा, सो ये ऊपर ये सो ये एक्सरसाइज के मैं 3-4 सेट परफॉर्म करता हूँ और उसके बाद मेरा ट्रैप्स का काम ख़त्म हो जाता है, लाइक दे आर कम्प्लीटली डिमोलिश्ड। एंड देन उसके बाद मैं चालू करता अपना डेल्ट्स का वर्कआउट, जो डेल्ट्स का वर्कआउट नॉर्मली होता है मेरा, उसके वो इस वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड करूँगा क्योंकि इस पर ऊपर बस कॉलर के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था, सो कॉलर के लिए मैं स्पेशली ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो इतने यही होता है मेरा कॉलर, इसके बाद मैं शोल्डर स्टार्ट करता हूँ लाइक अपने डेल्ट्स। सो अब जब बात हो चुकी है, मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो देख लिया, आप लोगों ने समझ में आ गया, बट अगर आप लोगों को ट्रैप्स इंक्रीज करना है, ट्रैप्स आप हिट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैप्स को आइसोलेट करना उनको अच्छे से, बट जो है कि आपका जो डेडलिफ्ट्स बेंट ओवर रोइंग ये दो एक्सरसाइजेस, मतलब बैक के दिन मतलब डेडलिफ्ट्स बेंट ओवर रोइंग ये दो एक्सरसाइजेस आपके ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंप्रूव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लाइक ये सब करने के अलावा भी डेडलिफ्ट्स और बेंट ओवर रोइंग ये दो एक्सरसाइज में आपका ट्रैप का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो ये दो एक्सरसाइज पे आप ट्राई कीजिए प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने के लिए, लाइक डेडलिफ्ट्स जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं डेडलिफ्ट्स के ऊपर ही करूँगा क्योंकि मैंने एक साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है डेडलिफ्ट्स के ऊपर। सो लाइक मैं जब आया था लास्ट ईयर मार्च में तो मैं डेडलिफ्ट कर रहा था करीब 80 किलोस, सो अभी दिस ईयर मैंने डेडलिफ्ट किया है कुछ ही दिन पहले 200 किलोस जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तो अगर आप लोग उधर मुझे फॉलो नहीं करते और मुझे मतलब नहीं फॉलो करते तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को उधर कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं मैं क्या अपने मील्स ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, आप उधर से फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक छोड़ दूंगा। सो जब बात आती है डेडलिफ्ट्स की, मैं नेक्स्ट वीडियो डेडलिफ्ट्स के ऊपर करूँगा, सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें जिससे कि आप वो नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। सो मैंने कैसे डेडलिफ्ट्स पे प्रोग्रेस किया क्या किया वो मैं सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लाइक मैंने कैसे इतना जल्दी प्रोग्रेसिवली ओवरलोड किया, लाइक 200 किलोज मेरे लिए मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी डेडलिफ्ट करूँगा लाइक इन दिस ईयर, लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हाँ ठीक है मैं मानता था कि, और मैं जब डेडलिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सुमो डेडलिफ्ट की नहीं, क्योंकि सुमो डेडलिफ्ट इज ईजियर, मतलब मैं सुमो पुलर्स को ये नहीं बोल रहा कि वो ईजी है बट मेरे मतलब नज़रिए में सुमो इज अ बिट ईजियर देन कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल हार्ड है और मैं कन्वेंशनल पे ही मैंने 200 किलो हिट किया। सो 200 किलो पे पूरा अच्छे से तो मतलब एकदम प्रॉपर 100% प्रॉपर फॉर्म तो नहीं है लेकिन 180 पे एकदम प्रॉपर फॉर्म के साथ हिट किया। सो वो वीडियो आप लोग मैं चाहता हूँ कि मिस ना करें, देखिए नेक्स्ट वीडियो को। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि ट्रैप्स ये मसल ग्रुप है, ये एक्सरसाइज करेंगे आप ऐसे परफॉर्म होगा, बस कुछ नहीं जो मैं परफॉर्म करता हूँ जिम में, जो मैं करता हूँ और जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट अपने ट्रैप्स में दिखा वही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ को ट्राई करेंगे जिम में, सो अगर आप लोग ये सब एक्सरसाइज को मेरे मतलब मैं जो करता हूँ ये सब को फॉलो करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, 100% इम्प्रूवमेंट दिखेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा और मुझे जिम में काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी किया है कि लाइक तेरे ट्रैप्स बहुत अच्छे हो गए, लाइक यू मतलब अच्छा दिख रहा है जब मैं, ये तो टी शर्ट है लाइक जब मैं वो क्या वो कहते हैं उनको वो शर्ट्स को वो स्ट्रिप क्या नहीं पता बट वो जो लाइक सैंडो गेंजी टाइप होता है वो सब जो होता है उसमें पहनता हूँ उसमें काफ़ी अच्छे से दिखता है। तो मैं सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जाके लाइक कीजिए और आप लोगों को कुछ डाउट्स है मतलब मैं कुछ पॉइंट्स अगर मिस कर गया क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है हर वक्त, सो आप लोग कमेंट्स करके मुझे नीचे बताइए और आप लोगों को कुछ भी सजेशन देना है लाइक मैं क्या चेंजेस करूँ कुछ भी आप लोगों को कहना है आप लोग जाके नीचे कमेंट कीजिए। और मेरे साथ काफ़ी लोगों ने कनेक्ट किया ओवर इंस्टाग्राम, सो जितने भी लोगों ने कनेक्ट किया मैं कह सकता हूँ कि मैंने लिटरली सबको रिप्लाई दिया है, सबके डाउट्स मैंने सॉल्व किए हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए आके पूछिए, मैं हमेशा मतलब ट्राई मतलब हमेशा एकदम जब भी टाइम मिलता है मैं खुल के सबके डाउट सॉल्व करता हूँ लाइक ये, और ये चीज़ मुझे पसंद है इसीलिए मैं इसको करता हूँ। एंड और कहने के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप ताकि आप कोई फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करें। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग कीप लिफ्टिंग। और हाँ और एक चीज़, सो जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया लाइक जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को उनको दिल से शुक्रिया, और जितने भी लोगों ने कहा कि मैंने मतलब उनको मैंने इंस्पायर किया है सो थैंक यू, मतलब मैं तो अभी ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर बना नहीं हूँ लाइक
मैंने अभी कुछ ही नहीं, मतलब दो तीन लोग, जितने भी लोगों को मैं टिल मतलब मैं एक लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लाइक थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है।